सो जैन साथियों आ रहे चाल में तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है पता है मुझे तुम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हो गए क्योंकि खासकर वो लोग जो लेबर क्लास में हैं या लेबर क्लास से ऊपर है लेबर क्लास जो मजदूरी करके घर चलाते हैं या फिर मजदूरी के वजह से उनका घर चलता है थोड़ा तो सा उनके ऊपर पंद्रह बीस दिन होने वाला है इतना दिन लॉकडाउन मतलब समझ रहे हो पूरा पूरा अवस्था खराब मैं अपने एरिया में जितना हो अवसर उतना हेल्प करने का प्रयास किया हूँ लोग को कुछ फाइनेंशियली हेल्प किया हूँ अनुमान भी दान दान दिया हूँ जितना अवस्था उतना मैं किया हूँ लेकिन जितना भी करो यार कम ही पड़ता है स्थिति थी ठीक थी नहीं है और कुछ लोग का अनाज ही मिल रहा है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका है ही नहीं राशन में नाम ही नहीं नाम है भी तो नाम काट दिया गया है अजीब सिस्टम है यार बंगाल का यहाँ बिहार का बता रहा हूँ यार बंगाल में ऐसा अवस्था नहीं था बंगाल में यार मैं समझता हूँ बंगाल में यार बहुत ही कम करप्शन था कंपेयर टू बिहार पर्सनल स्पीय से बोल रहा हूँ यार इस मामले में वहाँ पर ये बहुत कम करप्शन था यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर तो ऐसे मतलब करप्शन जो है लाइफ का एक हिस्सा है हर कोई करब ही था देखा जाता हैं हर जहाँ भी आ रहा हूँ वहाँ पैसा 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 बिना पैसा कुछ काम नहीं होता बिना धन का कुछ नहीं हो रहा बिना लक्ष्मी का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर हालाँकि बिना लक्ष्मी का हर जगह नहीं होता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लक्ष्मी का जो जोर लगता है बहुत ज़्यादा ठीक है आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारा यार पेड कोर्सेस भर से फ्री कोर्सेज पेड कोर्सेस भर से फ्री कोर्सेज पेड कोर्सेस लेना चाहिए या फिर फ्री कोर्सेस लेना चाहिए पेड का क्या नुकसान है फ्री का क्या फ़ायदा है ब्ला ब्ला डिटेल से बात करेंगे पूरा ए टू जेड एक और चीज़ बोल देना चाहूँगा यार कि लॉकडाउन का पालन करना घर में ही रहना घर पर नहीं रहोगे बाहर निकलोगे पुलिस के हाथ लग गए तो पुलिस तुम्हारा एल लगा देगा क्योंकि यार देख रहे हो वीडियो बहुत सा वायरल वायर हो रहा है जहाँ तक वायरल हो रहा है धूम धाम पीट दे रहा है तुम्हारा नाम पूछेगा नहीं कहाँ जा रहा हो नहीं पूछेगा पूर्व पीट दे रहा है पूरा भारत ख़राब हो गया एक तरह का इमरजेंसी सा हाल है यार विश्वास करो जो भी बंदा सामने आ जा रहा पकड़ रहा है डाल दे रहा है और टेस्ट हो जा रहा है उसका कोरोना वायरस का और काफ़ी चांस है कि पॉजिटिव भी मदद लोग आ जा रहे हैं और जो पॉजिटिव आ जा रहा है उसको यार पूरा पकड़ ले रहा छोड़ ही नहीं रहा है। लगे रहो एच मलेरिया समझ रहे हो ना हुशियार बनो स्मार्ट बनो ठीक कई बार ऐसा आता है कि हम लोग को दब के रहना पड़ता है छिप के रहना पड़ता है कई बार एक और चीज़ बोल देना चाहूँगा यार कि हम लोग को कभी स्वतंत्रता नहीं मिला था एक चीज़ तुम लोग को मायने घुस जाना चाहिए बहुत लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो देश आज़ाद देश में रहता है ये देश आज़ाद नहीं है ये कभी था ही नहीं ना होने वाला है शायद कभी हो सिर्फ पावर ट्रांसफर हुआ था ठीक है एक जो है माइंड में घुसा लेना जरूरी है क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं अभी हाल में मतलब साले से पहले से गाड़ी मिला है मुझे मैं तो दिल सोचता था कि मैं राजा हूँ फ्री हूँ जो बचाओ कर सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है ठीक तो पेड कोर्सेज भर से फ्री कोर्सेज़ पेड कोर्सेज लेना चाहिए फ्री कोर्सेज लेना चाहिए देखो फर्स्ट से बोलना चाहूँगा यार कि पेड कोर्सेज का क्या फायदा है फ्री कोर्सेज का क्या फायदा है पेड कोर्सेज का तुम्हारा एक जो बहुत ही बड़ा मेजर फायदा है वो कि तुम्हारा टाइम सेविंग होता है टाइम तुम्हारा सेव होता है तुम्हें कुछ नॉलेज चाहिए पैसा पे किए संग से तुम्हें नॉलेज मिली है फ्री क्या सता है कि ये फ्री है तुम्हें जेब से नहीं देना पड़ेगा लेकिन रियलिटी है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है ठीक है तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्री मिल रहा है लेकिन वो फ्री में नहीं मिल रहा है जैसे कि तुम टी वी चैनल में बैठ के देखते हो टी वी चैनल देखते हो कि ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है तुम्हें लगता है फ्री में दिखा रहा है तो फ्री में दिखा रहा है वो तुम्हें ऐड दिखा रहा है और ऐड जो तुम्हारे माइंड में घुस रहा है तुम जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो इन तुम उसको पे कर रहे हो सीधा सा बात है इनडायरेक्ट तुम उसको पे कर रहे हो हर चीज़ का वही हालत है मैं कोडिंग सीखाऊँ ऑनलाइन वेबसाइट का नाम है डब्लू थ्री स्कूस डॉट कॉम बोल दे रहा हूँ सीख लूँ चलना है तो डब्ल्यू थ्री स्कूच डॉट कॉम फ्री में मैं अपने लाइफ में अभी तक एक चवन्नी भी नहीं पे किया हूँ ऑनलाइन कुछ कोर्स करने के लिए एक चवन्नी भी नहीं ठीक है एक चवन्नी भी पे नहीं किया हूँ डायरेक्टली नहीं पे किया हूँ इनडायरेक्टली तो पे ही हुआ होगा क्योंकि मैं उस वेबसाइट में एडसेस लगा में हुआ है एड्स में जरूर मैं क्लिक मारा रहा कभी ना कभी जरूर कुछ शॉपिंग किया होगा मैं तो इनडायरेक्टली जरूर पे किया होगा लेकिन डायरेक्टली मैं कभी पे नहीं किया ठीक है डायरेक्टली जो मैं कभी पे नहीं किया ठीक है लेकिन समस्या क्या है कि ये फ्री के सिलसिले में तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा लगे तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा खाता है एक साल दो साल डेढ़ साल तीन तीन साल कई साल उस समय ऐसे मिलता हूँ जिनका तीन तीन साल हो गया यार हाँ साल हो गया ब्लॉगिंग फिल्म लेकिन वो एक चमन इनकम नहीं किए बस बोलते हैं कि सर सू तो किए थे ये हुआ था वो हुआ था फिर जो है रैंक नहीं किया फिर ये वह वो अलग ही अलग ड्रामा मतलब समझ में आता है कि वो लोग जो है स्टार्टिंग तो किए थे लेकिन फ्री डोमेन नेम फ्री होस्टिंग सब कुछ फ्री फ्री -फि कहाँ से भाई किधर 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 देख रहे हो ना ये अवस्था है तो फ्री के चक्कर में रहोगे तो यार तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा हाँ हा, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है मान लो कि तुम नौ दस क्लास में पढ़ रहे हो तुम्हारे पास टाइम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है घर वाले से कोई प्रेशर ही नहीं है फ्री में रहो प्रॉब्लम किया है यूट्यूब देखो ये देखो वो देखो धीमे धीमे सीख जाओगे अपने आप दो तीन साल में ब्लॉगिंग करना कुछ लोग लकी होते हैं जल्दी सी जाते हैं कुछ लोग लकी होते हैं जो जल्दी सी जाते हैं मेरा खुद देखो मेरा जो मेरा जो नॉलेज है जो मेरा सही से जो नॉलेज आया ब्लॉगिंग के बारे में कैसे किया जाए कैसे कैसे काम किया जाए वो मेरे ख्याल से अढ़ाई दो अढ़ाई साल लगा होगा मुझे सीखने पूरा मैं ये नहीं बोला कि इनकम नहीं आया था इनकम वाला शुरू से मैं स्टार्ट हो गया था मैं लगी पर्सन था मेरा शुरू से साइड रैंक हो गया ट्राफिक आना लगा उससे इनकम वाला स्टार्ट हो गया ठीक है उससे इनकम वाला स्टार्ट हो गया था मेरा एकदम क्योंकि इनकम स्टार्ट हो गया था लेकिन मैं पूरा अच्छा से सीखा हूँ बहुत ही टाइम बाद कम से कम दो ढाई साल बाद अब तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हुई है इस फिल्म में मैं लगभग हर साइड रैंक कर लेता हूँ जिससे मुझे पता है कि वो रंग रैंक करेगा ठीक जो रैंक नहीं कर उसमें काम नहीं करता हूँ फालतू के टाइम बस करेंगे ठीक है पेड कोर्स फ्री कोर्स पेड कोर्स से फायदा क्या 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 आएगा तुम्हें यार पैसा दे रहे हो तुम्हें इफॉर्मेशन मिल जा रहा है फ्री में क्या है कि तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ेगा तब इफॉर्मेशन मिलेगा कई बार ऐसा होता कि जो इनफॉर्मेशन है तुम्हें मिलेगा भी नहीं फ्री में कई सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा पेपर हालांकि वो फ्री नहीं होता है उसके लिए तुम्हें कही कहीं ना कहीं डायरेक्ट पे करना पड़ता है ठीक अभी देखो ये जो है टॉपिक्स वीडियो बनाने का आया इसलिए एक बंदा है फेसबुक पर एक बंदा नहीं बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं फेसबुक पर कि भाई तू इतना पैसा कमाता है ये है तेरे पास वो है तेरे पास तू कोर्स फ्री में क्यों नहीं देता है समाज सेवा करो फ्री में दो तू फ्री में क्यों नहीं देता एक बंधन ने मुझे लिंक भेजा था एक पोस्ट का जिसमें कुछ वो रोस्ट किया था ब्लॉगर जो कोर्स बेचते हैं और ब्लॉगर जो खरीदते हैं कोर्स उन लोग को बहुत ही अच्छा मजाक उड़ाया था लेकिन जो लैंग्वेज किया गया था वो बच्चा लोग का लैंग्वेज खाद जरूर था तेरह चौह साल का बच्चा लोग जो है ए तेरी माँ का तेरी बहन का एन तेन वह जो एक टीनेजर अगर यूज़ करते हैं वही लिख के लिखा गया था ब्लॉग में जो कि टट्टी सा ब्लॉग था मुझे पसंद नहीं आया अब देखो यार माँ बहन बच्ची उसका बच्ची उसका मेरा खुद का एक बच्ची है तो वो तो यार मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब एज हो गया मेरा ना मैं 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 वो वाला वो गाली वाली सुन के मैं हंसूँगा कुछ खास था नहीं तो उस मदद मतलब से बात होने लगा बंदा बोला कि सब कुछ फ्री मिलता है ऑनलाइन तो मैं उसको एक वेबसाइट का लिंक भेजा बोला कि मुझे इस वेबसाइट के जैसा वेबसाइट बनाना है कैसे बनेगा फ्री में कहाँ से मैं उसको बता वो बंदा जवाब नहीं दिया गर्म हो गया मैं भी थोड़ा सा बोल दिया उसको कि भाई दे जल्दी बोल बना मैं तेरा माँ बहन ने कर दूँगा बस बदले में बंदा जो बहुत सारा वो गाली देने शुरू कर दिए हम तो बस मैं तो उससे मजाक किया था कि तेरा माँ बाने कर दूँगा मैं करने वाला नहीं था एक माँ बेने एक फिर कि माँ अलग होता है बहन अलग होता है अलग का मतलब ये बनता है, है? है? दोनों का अलग रिलेशन है ठीक है मैं इसी इस बोला था कि तेरे माँ बहन मैं कर दूँगा बदले में बंदा बहुत सारा गाली दिया और फिर वो स्क्रीन शॉट लेके हर जगह शेयर कर रहा है ग्रुप ग्रुप में कि देख ये बंदा को ये बंदा जो है वो बंदा जो है सबक सिखा दिया इस ब्लॉगर को क्या मतलब है फिर समझ में आया कि ये जो बंदा है कई सारा ग्रुप बना कर रखा है वहाँ पर जो कुछ कुछ वो नॉलेज देता है फ्री में ठीक है तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर वो जो बंदा है वो अच्छा बंदा है बहुत कुछ नॉलेज फ्री में देता है ग्रुप के अंदर बहुत कुछ शेयर करता है फिर समय आया क्या से करता है तो वो लीक करता है कोर्स को तो बहुत वह कोर्स लीक कर देता है जो बंदा कोर्स बेचता है उसको लीक कर देता है अब मेरा कोर्स क्या है क्लाउड कोर्स है तो वो लीक नहीं कर पता है क्योंकि उसमें तो यार डाउनलोडिंग का ऑप्शन है नहीं और डाउनलोडिंग को करना जाएगा कैप्चरिंग करना जाएगा उसको तो तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कोर्स क्या है कि हमेशा अपडेटिंग में रहता है तो यार वो बहुत ही मेहनत वाला काम है लेकिन वही बहुत वाला कोर्स ऐसा है जो दो तीन वीडियो का होता है कोर्स तो उन लोग का वो लीक कर देते हैं अब देखो मुझे खुद समझ नहीं आता है दो तीन वीडियो में कैसे कोई ब्लॉगिंग सिखा सकता है यार मेरा 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 कोर्स माला मल्टीपल वीडियोस है मैं कभी दिखाऊंगा कोर्स का सीरीज में वीडियोस है वही पूरा कम्प्लीट नहीं है और कोई ब्लॉगर देखता हूँ तीन चार वीडियो बना के बोलता है कि सीख गया तुम ब्लॉगिंग जाओ इतना आसान क्या आप नहीं ब्लॉगिंग करना यार हलवा नहीं ठीक है एक और चीज़ तो मैं कोर्स बेचता हूँ वन थ्री पर फीस है एक हजार नौ नियनवे लेकिन बेचने के लिए वन थ्री प्लाइन ही बोलता हूँ देखो मैं यूट्यूब पर आया हूँ बेचने के लिए कोर्स सीधा सा बात है मैं यूट्यूब पर इसलिए था कोर्स बेच सकूँ यूट्यूब से मेरा कुछ इनकम नहीं है वो एड्स से कुछ भी इनकम नहीं होता है जो भी तुम्हारा जो इनकम थोड़ा बहुत होता है कोर्स से होता है अब कोर्स देखो मैं बेचता हूँ एक हज़ार रो में लेकिन मेरे से मेरे जो इनकम होता है एक स्टूडेंट से सात से आठ सौ एवरेज होता है एवरेज होता है इनकम सात से आठ सौ अभी जो पैसा कहाँ जाता है डोमेन नेम होस्टिंग कॉस्ट ठीक उसके बाद जो वीडियोस है जो मेजर जो कॉस्ट आता है वीडियो जो मैं स्ट्रीम करता हूँ क्लाउड स्ट्रीम से और क्लाउड स्ट्रीम चार्ज करता है मुझे हज़ार मिनट का एक डॉलर जो घूरा फिरा कर टैक्स उस काट के वगैरह करके डेढ़ जाते हैं हज़ार मिनट के आसपास डेढ़ डॉलर पे करना पड़ता है तो एक स्टूडेंट इतना वीडियो प्ले कर लेता है कि यार कि उसके से मुझे सात सौ आठ सौ इनकम होता है जो पुराने स्टूडेंट है जो बहुत पहले कोर्स लेते हो तो समझ लो यार इतना वीडियो प्ले कर चुके हैं वो फ्री में यूज़ कर रहे हैं कोर्स ये वास्तव है तो कोर्स से तो कुछ खास इनकम नहीं है लेकिन मैं कोर्स में हूँ अभी क्योंकि कोर्स की वजह से क्या होता है कि मैं आ, जो स्टूडेंट है बहुत सारे पैसे वाला स्टूडेंट भी हैं जिनका पहले से पैसा है वो इन्वेस्ट कर चाहते हैं तो उन लोगों को मैं स्टार्टिंग सर्वेज देता हूँ या एमरजेंसी में कुछ ना कुछ हो जाता है इनकम उधर से कोर्स से तो मेरी इनकम नहीं है लेकिन उसके से नेटवर्क जो बना हुआ है उससे बहुत फ़ायदा होता है प्लस एक इमेज बन गया तो इन फ्यूचर कुछ सर्विस और बेच पाऊंगा ये ठीक है मैं कोडिंग करता हूँ चीज़ बनाता हूँ उसको सेल करता हूँ ठीक तो क्या था फ्री कोर्स पेड कोर्स फ्री कोर्स में क्या है तुम्हें यार टाइम लगता है और पेड में क्या है तुम्हें टाइम नहीं लगता है लिए पे किए आ गया जैसे कि मान लो तुम्हें आर्ट्स देना सीखना है तुम्हें गूगल में आर्ट्स देना सीखना है तो तुम्हें बहुत सारा टेक्निक मिलेगा यूट्यूब पर इधर उधर उधर तुम कन्फ्यूज जाओगे क्या क्या सही काम करता है क्योंकि सब फ्री में दे रहा है तो वो उतना एक्यूरेट नहीं रहता है लेकिन वही कोई बंदा जो पैसा ले रहा है एक जनरन पर्सन है एक एक वेल रिप्यूटेड पर्सन है वो कुछ बेच रहा है तुम उसका ले रहे हो तुम्हारा का टाइम सेविंग हो रहा है तुम उसको इम्प्लीमेंट करो हंड्रेड परसेंट काम करेगा क्योंकि वो फ्री में नहीं दे रहे हैं ठीक लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी तुम कुछ ऑनलाइन परचेस कर रहे हो कुछ भी ऑनलाइन तुम कुछ भी परचेस कर रहे हो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी डिजिटल सर्विस तो ध्यान देना कि तुम किससे ले रहे हो जिससे ले रहे हो उसको उतना नॉलेज है या नहीं ऐसे नहीं कि बंदा बोल दिया कि मैं इतना कमा ले रहा हूँ मैं उतना कमा ले रहा हूँ बस मान लेना है अरे तुम उसका फेस देकर बोल रहे दे तुम कितना कमा सकता है तुम उसका ऐसे आगे ऊपर का नीचे देख लोगे गो तुम्हें अरे भैया कितना कमा सकता है एक बंदे को तुम ऊपर से नीचे देखोगे ना तुम्हें आइडिया हो जाएगा खुद ही तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो कि वो बंदा कितना कमा सकता है कितना नहीं ठीक तो किसी से तुम कुछ कुछ परचेस पर, पर कर रहे हो कोई भी चीज़ का सर्विस कोई भी एजुकेशनल चीज़ तो थोड़ा ध्यान से खरीदो ठीक तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा मैं तुम्हें हमेशा रिकमेंड कोई नहीं करूँगा तुम्हें यार पेड चीज़ खरीदो पेड चीज़ जो है खास कर डिजिटल कोर्सेस इसमें तुम्हारा टाइम सेव होगा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो लेकिन तुम्हारे पास टाइम है ज़रूरत नहीं है तुम्हें खरीदने का कुछ जरूरत नहीं है तुम धीमे धीमे सीख जाओगे कितना टाइम सीखोगे डिपेंड करता है छः महीना सात महीना साल डेढ़ साल दो साल ऐसे होता है लेकिन तुम सीख जाओगे कोई रॉकेट साइंस नहीं बस गलती करके खुद ही सीख जाओगे ठीक अभी मैं क्या बोलूँगा यार तुम लोग को अगर तुम लोग का इंग्लिश स्ट्रॉग है इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तुम लोग का तो तुम लोग यार कोडिंग वगैरह जो है ये सब क्लासेस कर सकते हो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है लेकिन तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं फर्स्ट जो तुम्हें बोलूँगा इन्वेस्ट करने के लिए वह तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए तुम इन्वेस्ट करो यार इंग्लिश लैंग्वेज सीखो जरूरी है अभी के टाइम में इंग्लिश संस्कृत दो लैंग्वेज बहुत जरूरी है गजब काम करता है संस्कृत का बहुत सा बेनिफिट्स है जो मैं तुम बताऊंगा नहीं तुम हजम नहीं कर पाओगे इंग्लिश तो जानते ही हो यार इिट लैंग्वेज है जान गए बोल रहे तो लोग बोलेगा अंग्रेज है बंदा इंग्लिश जानता है मतलब पढ़ लिखा है चाहे तुम इलेवन क्लास फेली क्यों ना हो ठीक है इंग्लिश जानते हो बोल पाते हो तो तुम यार आगे हो अभी देखो मैं अभी तक कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज परचेस नहीं किया हुआ लेकिन अब जो है मैं एक ऐप्स में देखा हूँ और उसको मैं जल्दी हायर कर लूँगा एक टीचर मिला है जो ऑस्ट्रेलिया का है वो बाईस डॉलर बोला है पर आवर का क्लासेस बाईस डॉलर पे करके बाहर का बाइस कुछ भी नहीं है जो से सिखाएगा वो उसके लिए ठीक है बाईस डॉलर पर डे का पर घंटे का, का पे करूँगा तो मुझे यार मुझे लगे उम्मीद है कि मैं छः सात महीना में जो है एक अच्छा खासा मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा अच्छा खासा समझ लो मैं अंग्रेजी बन जाऊँगा मेरा रंग बुरा हो जाएगा मेरा जो है ब्राउन स्किन जो है ना बुरा बन जाएगा मैं ऐसा हो जाएगा ठीक है इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग यार कोर्स परचेस करो क्या कोर्स परचेस करना है अभी फिलहाल इंग्लिश इंग्लिश सीखो पैसा है तो पैसा है तो इंग्लिश सीखो कहीं से भी जितना भी फेसबुक ढूंढो कहीं भी टीचर मिल जा रहा है सस्ता मिल जा रहा है चलो अच्छा है बस प्रयास करना है कि क्वालिटी हो टीचर में ऐसा ही न हुई ठीक है इंग्लिश पर स्पेंड करो पैसा यार इंग्लिश सीखने का स्पेंड करो उसके बाद संस्कृत संस्कृत का वीडियो सही यूट्यूब का बोलो जो फिर सीखा दो सबसे बोलना बहुत ईजी है वो भी सीखे तुम्हारा एक अलग ही गला में जो एक दम आएगा बेस आएगा एक एक स्ट्रॉन्गनेस आएगा एक कट्टरता आएगा एग्रेसिव सोच रहे हो ना द मेस्ट फीमेल हो तो पता नहीं क्या आएगा लेकिन मैन हो तो मेस्ट आएगा सबसे का एक फ़ायदा होता है और ही बहुत सबसे फायदा है तो हजम नहीं कर पाओगे तुम इंग्लिश सीखो संस्कृत सीखो ठीक उसके बाद जब तुम इंग्लिश जाए तो तुम्हारे पास रिसोर्स का कोई लिमिट नहीं है जैसे तुम इंग्लिश सीख गए हो तुम्हारे पास रिसोर्स का लिमिट नहीं है तुम्हारे पास फ्री भी इतना कुछ सीखने के लिए ऑनलाइन है कुछ कह नहीं एक चीज हमेशा जितना तुम सीखोगे जितना तुम जानोगे सब चीज़ को नया होता तुम्हारा क्वालिटी बढ़ेगा तुम बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जागो और तुम एक टाइम में एक इलिट लेवल पर आ जाओगे यार एक गजब के लेवल पर जब जैसे देखोगे सबको तो सबको तो बोलोग कीड़ा मोका लगे कीड़ा मोड़ा मैं कोई बैड टाइम में नहीं बोल रहा हूँ मतलब तुम इतना बड़े हो जाओगे तुम्हारा मेंटिलिटी अलग ही लेवल पर रहेगा ठीक है उन लोग का जो जो नॉर्मल लोग हैं उनका जो मानसिक विकास उनका मन का सोचने का क्षमता है उससे तुम एक अलग ही लेवल पर होगे गॉड जैसा डे गॉड देवता ऐसा कुछ बोल सकते हो ठीक है तो ये सब रहा यार फ्री भर से पेड कोर्स फ्री नाम का कोई चीज़ नहीं होता है जो भी चैनल्स है जो बोलते हैं मैं फ्री में दूंगा इन्फॉर्मेशन फ्री में दूंगा वो रियलिटी नहीं है वो भी कुछ ना कुछ बेचते हैं सिर्फ आठ से इनकम सस्टेन चलता है चैनल वो पॉसिबल ही नहीं है वो कुछ ना कुछ बेचते हैं डोमेन डोमिनम बेचे होस्टिंग में बेचे कुछ भी बेचे कोई भी सर्विस बेचते हैं सर्विस वो बेचते हैं भले वो कोर्स ना बेचे लेकिन सर्विस बेचते हैं किसी होस्टिंग का प्रमोट कर दिए ग्रुप बना के कोई ना कोई इन्फॉमेसन इधर उधर करके जो है वो कमाते हैं कोई भी ब्लॉगर यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो तुम्हें यार फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कोई ना कोई तरह से निकाल रहा है पैसा बस तुम्हें कम कष्ट हो इसलिए वो जो है होस्टिंग के थ्रू डोमिनियम के थ्रू करते हैं ठीक है हालांकि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि यार वो उल्टा फुलटा होस्टिंग रिकमेंड कर देता है तुम्हारा इल लग जाता है अब देखो मेरे चैनल पर क्या है कि बहुत सारे होस्टिंग कंपनी आते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है अभी मैं सर और हाइड कर दिया हूँ सारे यार आस आसपास भी सब्सक्राइबर है लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े होस्टिंग कंपनी आते हैं बोलते हैं सर बोलते हैं सर बोलते हैं बड़े बड़े लोग यार कि आप जो है मेरा कोड बड़ा प्रमोट कर दो होस्टिंग सब्सक्राइबर तो बस है नहीं बोला नहीं नहीं आपका बस आवाज़ काफ़ी है फेस काफ़ी है मैं उसका प्रमोशन दे दूँगा ये कर दूँगा उसका बीच बढ़ा दूंगा अपना पैसा बोलो लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैं तो बोल दूँगा कि हाँ ठीक है मैं वीडियो बना के बोल दिए लेकिन मेरा तो इमेज पर ख़राब हो जाएगा ना कि मुझे पता उठा जो होस्टिंग कंपनी टट्टी होस्टिंग कंपनी मुझे पता है कि वो जो होस्टिंग कंपनी है वो टट्टी होस्टिंग कंपनी है तो मैं क्यों प्रमोट करूँ बेस्ट है कि मैं कोर्स में मुझे मैं खुद यूज़ करता हुए बताता हूँ बाकी होस्टिंग अपने ऊपर है यार जो अच्छा लगा वो लो डोमेन नेम का है क्या है कि मैं कोर्स बता रहा हूँ मैं कहाँ से लेता हूँ जो कि गजब काम करता है ठीक है तो ये सब रहा यार पेट अच्छा है फ्री का क्या है कि रिस्क है टाइम वेस्टिंग का बहुत समस्या होता है लेकिन टाइम है तो कर सकते हो फ्री में क्या है कि बहुत सारा तुम्हें बैड चीज़ मिल जाता है ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करो तो वहाँ तुम्हें क्या होगा बैड होस्टिंग बैड डोमिनियम कंपनी बैड बहुत सारा ट्रिक्स टूल्स बहुत सारा जो है बहुत ही बेकार बेकार चीज़ मिल जाता है जो कि रिस्की होता है तो ध्यान दो मैं ये नहीं बोला हूँ ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है ग्रुप ज्वाइन करो अच्छा बात है लेकिन ध्यान दो कुछ भी प्रमोट कर रहा है बोलो तो फर्श में आँख बने खरीद नहीं लेना है थोड़ा ध्यान देना है कि क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है और जैसे तुम तो कोर्स खरीदने वाले हो पेट कोर्स कोई भी चीज़ का देख लो को जो सिखा रहा है उसका तो आइडिया है या नहीं चाहे फेसबुक ऐड हो बिंग ऐड हो अलग अलग बहुत सारे जो कोर्सेज है बहुत सारा कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑनलाइन हर तरह का कोर्स अवेलेबल है ठीक है पहले इंग्लिश सीखो इंग्लिश बोलना सीखो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो और थोड़ा बहुत लॉ के बारे में आइडिया ले लो और हेल्थ के बारे में भी लाइव बदल जाएगा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो नहीं लगा रिस्लाइक कर दो कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आस कर देना और मैं प्रयास करूँगा व्हाट्सअप में जितना लोगों ने मैसेज किया सबका सबकारी देने का और कल लाइव रहेंगे